सिंधिया के बाद कमलनाथ कहेंगे अलविदा। कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। नेशनल पॉलिटिक्स से लेकर राज्य स्तर की राजनीति तक अब कांग्रेस संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। बता दें आप सभी को, साथ ही पार्टी के कई नेताओं ने जिस तरीके से उनका साथ छोड़ा है उससे भी कांग्रेस की हालात पतली होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा उसने कांग्रेस की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वहीं अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के अनुभवी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी अब पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना रहे हैं। आपको बताते चले कि छिंदवाड़ा के 6 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने बहुत काम किया है, अब मैं आराम करना चाहता हूं। इस दौरान भावुक हुए कमलनाथ ने कहा कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सवाल पूछ लिया कि किसानों और युवाओं की हालात देखते हुए क्या उन्हें आराम करना चाहिए। उनके सवाल पर वहां मौजूद जनसभू ने एक स्वर में ना का जवाब दिया। जी हाँ, कमलनाथ ने आगे कहा कि पूरे एमपी में छिंदवाड़ा जिले का सोनसर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है। यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं का समर्पण सदैव यहाँ के लिए उदाहरण बना हुआ आया है। मंच पर मौजूद कांग्रेस के पूर्व विधायक कमला चोरे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप गवाह हैं, जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरोध में मेरे साथ ही रेवनाथ चोरे सिंधवाड़ा जिले में सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी दी थी। फिलहाल कमलनाथ की बातों से ये समझा जा सकता है कि वो अपनी उम्र और अनुभव बताकर ये साबित कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो सियासत से संन्यास ले सकते हैं। जी हाँ, अब देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान कमलनाथ के इस बयान को किस तरीके से देखता है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अब सियासत से अलविदा कहने की तरफ इशारा जरूर कर दिया है।